हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस. दिस इज रमी, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस. एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एप्लीकेशंस फॉर द 2023 प्रीलिम्स. ठीक है, एप्लीकेशन आ चुकी है, फॉर्म्स भरने हैं, डेट्स आ चुके हैं, जिसका हमें बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से, हमें स्टूडेंट्स को, सबको इंतज़ार था. वी वर ईगरली वेटिंग फॉर द बेसिकली नोटिफिकेशन ऑफ 2023 HAS prelims, and finally the commission has come out with its notification. ठीक है, तो there are few things that has to be kept in mind, जिसके बारे में बात करना है. As such, जो there is no such major changes in the pattern of this examination, या pattern में या syllabus में, ऐसा कोई changes नहीं है pattern में और syllabus में. ठीक है, but कुछ कुछ instructions हैं. There are few instructions provided by the commission, and that has to be followed very seriously. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है. ठीक है, वैसे तो नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कौन से पोस्ट के होने हैं, कितने होने. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ चीज़ें हैं देखने की बारे में. द कैंडिडेट मस्ट रीड, सबसे पहली बात तो आपने ये देखो कि इसकी फाइनल डेट कब है क्लोजिंग की. क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14th June, 12 बजे से पहले. एंड क्लोजिंग डेट ऑफ फी ऑल्सो इज 14 जून 2023. ठीक है, ये एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है. तो आज अगर आप देख रहे हो नोटिफिकेशन आ जाइए 20 मई, तो आपके पास है समवेयर अराउंड 24 डेज है. तो आप इतने टाइम में आपने ये फॉर्म को फिल करना है. देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट बाय अपलोडिंग कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन. ये सारे जो हम डालते ही हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, नीचे एक कॉलम अलग से दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स. अगर आप ये बोल, आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, या आप कुछ फिजिकली चैलेंज क्लेम कर रहे हो, ये सारे हैं चीज़ें क्लेम कर रहे हो, तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, वो इंस्ट्रक्शन क्लियरली मैंशन है यहाँ पे. द कैंडिडेट शुड पोजेस रिक्वेस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट फॉर विच ही वॉन्ट्स टू अप्लाई मेंशन इन एलिजिबिलिटी. द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एडमिसेबल ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के हैं, इंस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, ये सारे कैटेगरी में, एक्स सर्विसन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसन. तो क्या बोल रहा था, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वेरियस पोस्ट विल बी एडमिसिबल ओनली टू हिमाचल के लोगों का. ठीक है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन विल नॉट बी एडमिसिबल टू सच कैंडिडेट्स. क्लियरली बोल दिया कि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ हिमाचल के लोगों को मिलेगा, बाहर वालों को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, नंबर इन सर्विस कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड अनलेस ही और शी प्रोड्यूसेस एनओसी फ्रॉम कंसर्न एम्प्लॉयर. बेसिकली जो पर्सन हु आर इन सर्विस और वो बैठे हैं, तो उनके लिए द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एक्स सर्विस एंड एचपीएस पुलिस विल बी डिसाइडेड एज पर प्रोविजन ऑफ एक्स सर्विस में रिजर्वेशन. तो ये पहले, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, एज सच आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की. द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रिलीज्ड ऑन शैल हैव टू अपलोड प्रूफ ऑफ हैविंग रिसीव्ड ग्रेच्युटी. ये सारे द कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड वेरियस सर्विसेज पोस्ट कीपिंग इन व्यू द रैंक्स इन द फाइनल मेरिट एंड प्रेफरेंस एक्सप्रेस बाय देम. एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड. तो ये दीज आर माइनर इन्फॉर्मेशन. अब देखिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. अब यहां पे देखिए, डिस्प्यूट्स इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिडिक्शन एट सिमला. द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द सर्विस पोस्ट इफ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट अप टू क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन शैल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन बेसिस ऑफ फोर्सेड एग्जामिनेशन. ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एज एनी पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडेड
HPS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इज लायबल टू बी चेंज्ड। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आज कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने सीट के लिए निकले हैं, कितने पोस्ट के लिए निकले हैं, तो वो बदल सकती हैं कभी भी। दैट इज द रीजन वाई दे हैवंट मेंशन एनी नंबर। अब देखिए ये द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट टू बी अपलोडेड, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन सा बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप रिजर्वेशन में क्लेम कर रहे हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट सारे ये अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। वैलिड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, ये सारे लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए कौन से डिपार्टमेंट की सिलेक्शन होनी है, एक हिमाचल प्रदेश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के लिए होंगी और दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ होम के लिए होंगी, ठीक है। होम अफेयर्स शेड्यूल कास्ट ऑफ HP एक सीट, OBC ऑफ HP वन सीट, इसके लिए दो सीट है। टोटल 11 पोस्टों के लिए सिलेक्शन नंबर ऑफ पोस्ट, पर्सनल के लिए 9 और 2, 11 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 5। पिछले बार की जो नोटिफिकेशन है उसमें 15 और 2 17 हैं और इसमें 9 और 2 11 हैं, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी होंगे इस पे, ठीक है। 11 सीट्स की सिलेक्शन है और ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ लायबल टू बी चेंज्ड, चेंज भी हो सकती है ये, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया ये द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इज आर लायबल टू बी चेंज्ड, ये चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे 11 पोस्टों के लिए होनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव HS उनको 9 चाहिए और पुलिस सर्विसेज के लिए 2 चाहिए, पे बैंड लेवल ऑफ दिस इज द बेसिकली ग्रेड पे मेंशन इज ओवर हियर। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले थे वही हैं, ठीक है। देन एज लिमिट पता ही आपको 21 और 35 है, तो एज ऑफ वॉज 1 जनवरी 2023 एज लिमिट 35 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, ठीक है। प्रोवाइडेड अपर लिमिट ऑफ यहाँ पे एज सच देर इज नो मेजर नो चेंजेस। देन कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आर इक्विवेलेंट टू सब बेसिकली 10th किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस किया जाता है तो मेट्रिकुलेशन की जो डेट मेंशन है आपकी वही मानी जाती है, उसे ही मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे भी वही है, हाउ टू अप्लाई, आप कमीशन की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंट बना के करना पड़ता है, आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो उसी एग्जिस्टिंग अकाउंट पे हो जाएगा, वहाँ पे आपको फॉर्म का कॉलम मिल जाएगा, वहाँ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस 400 रुपीज़, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स 400 रुपये, सबको 400 रुपये फीस देना है। रिजर्व दूसरे मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST उनको 100 रुपये, एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ HPL उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट इज मेंशन ओवर हियर, देन एडमिशन रिजेक्टेड। बेसिकली ऐसा चीज़ में आपको एक चैलेंज है नहीं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितने पोस्ट के लिए हैं, तो ये हमें देखना है, ये सिर्फ 11 पोस्ट के लिए है। दिन पे दिन HAS की जो पोस्ट है वो घटती जा रही है, पता नहीं इनको लोग चाहिए कि नहीं, रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इट इज मेंशन ओवर देयर, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होनी है। बेस्ट पार्ट इज ये सिलेबस मेंशनड है, प्रीलिम्स के अंदर जनरल स्टडीज़ की सिलेबस क्या होंगी मेंशनड है ओवर ईयर। पैटर्न में ऐसा कोई चेंजेस है नहीं, वही 6 मेंस के पेपर होंगे, 3 जनरल स्टडीज़ के पेपर, 1 इंग्लिश के, 4 1 हिंदी के, 5 और 1 ऐसे का पेपर होगा, 6 और 2 ऑप्शनल पेपर होंगे। एज सच वही है, सेम है, देर आर नो चेंजेस इन दैट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल वी गेट फ्रॉम दिस वीडियो एंड फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन, कि इन अ नटशेल मुद्दे की बात यह है कि 11 पोस्टों के लिए निकली हुई है, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, बाकी 4 रिजर्व्ड हैं, 9 HAS की पोस्ट है जिसमें 5 अनरिजर्व्ड हैं, 4 रिजर्व्ड हैं, 2 पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी दोनों की सीट रिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सो नाउ इज द टाइम कि जो इन्होंने अपीयर करना है, जो प्रिपेयर कर रहे थे या जिन्होंने दोबारा दिया है, जो इस साल दिए हैं, जो रिजल्ट कल आई है और आप यू आर नॉट एबल टू मेक इट थ्रू, तो यू कैन री अपेयर अगेन दोबारा विथ मोर विगर, विथ मोर एनर्जी, दोबारा अपेयर करें एंड सेट फॉर द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू
अचीव योर ड्रीम्स. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड दोज हु विल बी अपीयरिंग. किसी ने अगर कोर्सेज चाहिए, क्रैश कोर्सेज चाहिए, कोर्सेज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.